4 मई को आईपीएल 2021 सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया गया। वजह रही आईपीएल में चार टीमों के सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना। आईपीएल जिस वक्त रोका गया तब तक कुल 29 मैच खेले जा चुके थे, अब भी लीग के लगभग आधे मैच बचे हुए हैं। ऐसे में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई के सामने बड़ा सवाल है कि वो आईपीएल के बचे मैच किस विंडो यानी वक्त में करवाए। बीसीसीआई अभी आईपीएल 2021 के लिए विंडो तलाश ही रहा था कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान आया है। इस बयान से लग रहा है कि आईपीएल सीजन 2021 के अगले विंडो में इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी शायद ही आईपीएल की टीमों के लिए खेलते नजर आए। क्रिकेट कैलेंडर 2021 में आईपीएल को अप्रैल मई की विंडो में पूरा करना था, लेकिन कोविड की वजह से मई पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब आईपीएल के लिए बड़ी दिक्कत ये है कि वो बाकी बचे आईपीएल को कैसे पूरा करवाए। इसी बीच ईसीबी के क्रिकेट निदेशक आश्ले जाइल्स ने कहा है, हमें नहीं पता कि आईपीएल के बाकी मैचों का शेड्यूल क्या होगा, ये कब और कहां होंगे। इस सीजन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों की वजह से हमारा कार्यक्रम काफी व्यस्त है। हमें T20 विश्व कप और उसके बाद एशेज खेलनी है। हमारे खिलाड़ी ओवरलोड ना हो ये भी ध्यान रखना है। इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ से इस बयान के बाद आईपीएल 2021 में इंग्लिश खिलाड़ियों का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे भी अगर एक नजर इस साल के क्रिकेट कैलेंडर पर डालें तो आईपीएल के पास ना के बराबर विंडो मौजूद है। कैलेंडर से समझिए कैसे। जून में भारतीय टीम का इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम है, वहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। इसके बाद जुलाई में भारत की टीम श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने जाएगी। अगस्त सितंबर में इंग्लैंड के साथ पटौदी टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड से लौटते ही सितंबर अक्टूबर में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। ये तो भारत का कैलेंडर है, इसके अलावा इंग्लैंड का भी काफी बिजी शेड्यूल है। इंग्लैंड की टीम को जून के महीने में न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। इसके अलावा इंग्लैंड के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान और बांग्लादेश का दौरा भी है, जबकि T20 विश्व कप के बाद उन्हें एशेज सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के इनकार का आईपीएल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह है आईपीएल में खेलने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स। आईपीएल 2021 में कुल 14 इंग्लिश खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये 14 खिलाड़ी आईपीएल की 6 टीमों में मौजूद हैं। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अकेली ऐसी टीमें हैं जिनमें इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में आईपीएल की इन टीमों को इंग्लैंड के प्लेयर्स उपलब्ध न होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन टीमों में हैं कौन से खिलाड़ी और उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करेंगे CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स की। MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के पास मोइन अली और सैम करन के रूप में 2 इंग्लिश प्लेयर्स हैं। ये CSK के कैंपेन के अहम सदस्य हैं। मोइन ने CSK के लिए नंबर 3 पर बैटिंग की है, कुल 206 रन बनाए हैं। रनों के साथ उन्होंने किफायती बोलिंग में भी 5 विकेट चटका कर दिए। वो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में 13वें नंबर पर हैं। मोइन की पारी की खासियत रही उनका 150 से पार का स्ट्राइक रेट, जिसकी वजह से CSK की टीम आईपीएल रुकने तक पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर बनी रही। मोइन के अलावा सैम कैरन धोनी के पेस अटैक के अगुवा हैं। दीपक चाहर हों या शार्दुल ठाकुर, सैम कैरन ने पिछले 2 सीजन में CSK की बोलिंग को इनके साथ मिलकर धार दी है। कैन ने आईपीएल 2021 में भी 9 विकेट चटकाए और 52 रन बनाए हैं। अब बात DC यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की। आईपीएल सीजन 2021 रुकने तक नंबर 1 टीम। इस टीम में इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी हैं, टॉम करन, क्रिस वोक्स और सैम बिलिंग्स। क्रिस वोक्स दिल्ली कैपिटल्स का तुरुप का इक्का है, बोलिंग हो या फिर बैटिंग, वोक्स टीम के सबसे ताकतवर ऑलराउंडर हैं। वोक्स ने इन सीजन सिर्फ 3 मैच ही खेले, लेकिन उसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। वोक्स अगर आगे के टूर्नामेंट में नहीं खेले तो दिल्ली की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सैम बिलिंग्स को पहले 7 मैचों में 1 भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि टॉम करन का प्रदर्शन इस सीजन उस दर्जे का नहीं रहा है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की भी बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल की उन चुनिंदा टीमों में से एक है जिसके पास विदेशी कप्तान है। KKR का तो विदेशी कप्तान भी इंग्लैंड से ही, आयन मॉर्गन। बड़ी तैयारी के साथ KKR ने आईपीएल सीजन 2021 के लिए मॉर्गन को कप्तान बनाया था, लेकिन इस सीजन ना तो मॉर्गन का बल्ला चला और ना ही टीम का प्रदर्शन। टीम ने अब तक सीजन में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वो सिर्फ 2 जीतने में कामयाब रहे हैं। कप्तान मॉर्गन के बल्ले का प्रदर्शन भी टीम जितना ही खराब रहा। उन्होंने कुल 7 मैच खेले और सिर्फ 92 रन बनाए, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान अगर KKR के बाकी बचे कैंपेन का हिस्सा नहीं होता तो टीम कैसा करेगी ये देखना होगा। PBKS पंजाब किंग्स की टीम का कैंपेन इस सीजन मिला जुला रहा है।
केएल राहुल पेट में तकलीफ के चलते बीच में ही कप्तानी छोड़कर चले गए, लेकिन एक मैच बाद ही आईपीएल सस्पेंड हो गया। ऐसे में पंजाब के लिए अच्छा रहा, लेकिन अगर आगे के टूर्नामेंट में क्रिस जॉर्डन और डेविड मलान टीम के साथ नहीं हुए तो फिर टीम परेशानी में आ सकती है। ये दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड से आते हैं। डेविड मलान को आधे आईपीएल तक ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन दो वर्ल्ड टी20 की मौजूदा रैंकिंग में नंबर एक खिलाड़ी हैं। क्रिस जॉर्डन इस सीजन लय में नहीं दिखे, लेकिन वो पंजाब किंग्स की कैंपेन के अहम सदस्य हैं। जॉर्डन ने सीजन 3 मैच खेले जिसमें 2 विकेट चटकाए। अब बात सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी ऐसी टीम है जिसमें विदेशी खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है, लेकिन इंग्लैंड से खिलाड़ी सिर्फ दो ही हैं, जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय। टीम ने सीजन डेविड वार्नर से 20 सीजन कप्तानी छीनकर विलियमसन को सौंप दी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही आईपीएल सस्पेंड हो गया। अब बाकी बचे सीजन में बेस्टो और रॉय अगर हैदराबाद के साथ नहीं रहे तो विलियमसन की कप्तानी भी हल्की नजर आ सकती है। बेस्टो टीम के स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। बेस्टो सालों से हैदराबाद की टीम में ये रोल प्ले कर रहे हैं। इस सीजन उन्होंने 7 मैचों में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए। उन्होंने टीम को हर बार तेज तर्रार शुरुआत दिलाई। हालांकि जेसन रॉय को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन रॉय भी तूफानी बैटिंग के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं आए तो हैदराबाद को विकल्प तलाशने होंगे। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की वो टीम है जिसका कप्तान भले ही देसी हो, लेकिन उसके कैंपेन की सबसे बड़ी ताकत इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इस टीम में बेन स्टोक्स, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और लियम लिविंगस्टन के रूप में सबसे ज्यादा इंग्लिश खिलाड़ी हैं। स्टोक्स, आर्चर और बटलर सालों से इस टीम के कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। प्लेइंग 11 में भी इनकी जगह बिना किसी सवाल जवाब के पक्की ही रहती है। बेन स्टोक्स इस सीजन सिर्फ एक मैच खेलकर उंगली फ्रैक्चर होने के कारण वापस लौट गए। जोफ्रा आर्चर भी हाथ में चोट की वजह से सीजन के आधे हिस्से में टीम से नहीं जुड़े, लेकिन जोस बटलर ऐसे इंग्लिश खिलाड़ी हैं जो इस सीजन सभी 7 मैचों में खेले, शानदार प्रदर्शन भी किया। बटलर ने इस सीजन राजस्थान की पारी शुरू करते हुए 254 रन बनाए। बटलर के अलावा लियम लिविंगस्टन को इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये बात तय है कि अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल सीजन 2021 के बाकी बचे हिस्से में नहीं आते तो राजस्थान रॉयल्स की कैंपेन को एक बड़ा झटका लग सकता है। ये था इंग्लैंड के खिलाड़ियों का आईपीएल 2021 में प्रदर्शन। ये वो 6 टीमें हैं जिनमें इक्के दुक्के से लेकर भर भर कर इंग्लिश खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन इंग्लैंड के फ्यूचर टूर प्रोग्राम वाली खबर से जिन 2 टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो है विराट कोहली की आरसीबी और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस। इन दोनों ही टीमों ने किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाई। अब देखना होगा कि बाकी टीमें और आईपीएल खुद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को मना पाता है या फिर नहीं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।